ये है दिल्ली दर्पण। एक महीने पहले की बात है जब दिल्ली के बादली विधानसभा क्षेत्र में बड़े लाव लश्कर और तामझाम से एक बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया गया था, लेकिन ये तो महज एक चुनावी स्टंट निकला। नारियल तो फोड़ दिया गया, लेकिन इस खाली जमीन पर इस शिलान्यास पट के अलावा एक ईंट भी नहीं जुड़ी। भला जुड़ती भी कैसे जब ये उद्घाटन ही बिना टेंडर के हुआ था, मतलब धूले का पता नहीं और बारात इकट्ठी हो गई। महीना बीत गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन 1100 से ऊपर वाले बेड के अस्पताल में काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये उद्घाटन क्यों? क्या ये एक चुनावी लॉलीपॉप था, या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने विधायक के लिए वोट बटोरने का काम किया है? जब शिलान्यास हुआ था तभी पूर्व विधायक देवेंद्र यादव ने इसकी पोल खोलते हुए दावा किया था कि ये फर्जी है, और आज एक महीने बाद जब ये बात सच साबित हो रही है तो जनता भी समझ ही रही होगी। ये तो एक चुनावी उद्घाटन था, और मुझे दुख है इस बात का कि सरकारी पैसे का मिसयूज इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक बड़ा फंक्शन रखा गया 29 तारीख, आज एक महीना होने को पूरा, आज पूरा एक महीना उसको हो गया, लेकिन वहाँ पर जो हालात पहले थे उससे बदतर आज उस जगह के हालात हैं। मुझे याद है जिस दिन 29 तारीख का सुबह सुबह का जब हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें बड़े पूरे एक पेज का एड हर एक न्यूज़पेपर में लगा हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि हॉस्पिटल का काम शुरू, और आज एक महीना पूरा हो गया है, वहाँ पर जो जैसी स्थिति उसकी पहले थी उससे भी बदतर आज वहाँ पर उस हॉस्पिटल की जगह की है। कोई कॉन्ट्रैक्टर आज तक नियुक्त नहीं हो पाया, किसको काम क्या मिलेगा किसी को मालूम नहीं है। तो ये एक सरकारी पैसे का मिसयूज है। क्या चुनाव आचार संहिता लगने से हफ्ते दिन पहले आनन फानन में समारोह पूर्वक अस्पताल के नाम पर नारियल फोड़कर एक बड़ी रैली कर ली गई और जनता को अस्पताल के नाम पर लॉलीपॉप थमा दिया गया? बहरहाल बादली की जनता इस सूरत हाल को समझते हुए आने वाले चुनाव में फैसला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।